हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है तो उसे कम करने के लिए आप क्या करते हैं? या तो आप अपनी डाइट पर कंट्रोल करते हैं या फिर जिम ज्वाइन कर लेते हैं। आज मैं आपकी दोस्त नायरा आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे आसान टिप्स जिनको आप घर बैठे दोहरा सकते हैं और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मुट्ठी भर मेवो यानी कि ड्राई फ्रूट्स का सेवन करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। टिप नंबर वन, अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना चाहते हैं तो आपकी लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है बादाम का। जी हाँ, बादाम के अंदर इतने मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जिसका सेवन करके हम आसानी से अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। एक मुट्ठी बादाम का सेवन रोजाना करने से ना ही सिर्फ हमारी बॉडी अच्छी और तंदुरुस्त बनती है बल्कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल 10% तक कम हो जाता है। टिप नंबर टू है अखरोट। आप अखरोट का सेवन करके भी अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 और फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है। हार्ट हेल्थ को मजबूत बनाने के लिए और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए आप रोजाना एक मुट्ठी अखरोट का सेवन कर सकते हैं। टिप नंबर 3 है पिस्ता। पिस्ता एक अच्छा कार्ब है जिसका सेवन करने से हमारी बॉडी के अंदर जमा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल घटता है। इसीलिए अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाना है और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाना है तो आपको जरूर पिस्ते का सेवन करना चाहिए। नंबर 4 है मूंगफली। अगर आप डेली गिनकर केवल 30 मूंगफली भी खा लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल काफी हद तक कम हो जाएगा। परिणाम स्वरूप आपके शरीर के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, आपका वजन नियंत्रण में रहेगा जिसकी वजह से हार्ट हेल्थ का खतरा भी कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरीके से मीठे की शोभा बढ़ाने वाले ड्राई फ्रूट्स आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम और मेंटेन कर सकते हैं। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।